नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1990 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सिल्वर भी $25.6 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनी है। दरअसल कल को हमने जो गोल्ड है उसको $2000 के पार जाते हुए देखा था, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर सोने चांदी में आज एक मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला है। लेकिन जो प्राइसेज हैं सोने चांदी में अभी भी अट्रैक्टिव हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे हैं, ऊपरी स्तर वाले हैं, काफ़ी ज़ोरदार उछाल अभी भी जारी है। सोना $1990 पर है और सिल्वर $25.6 पर। वहीं पर हमने MCX में भी गोल्ड को 53,000-54,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ देख लिया है। अब जो गोल्ड है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 2500 पॉइंट की दूरी पर है। सिल्वर में भी हमने काफ़ी शानदार बढ़त आते हुए देखी है। MCX सिल्वर भी 70,000 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। सिल्वर में भी पहले के मुकाबले अब शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो गोल्ड और सिल्वर में ओवरऑल रुझान जो है वो तेजी वाला रहने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर में क्या यहाँ से अभी मुनाफा वसूली करनी चाहिए या फिर यहाँ पे खरीदारी में रहना चाहिए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केटिंग सीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में कल के मुकाबले आज कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली दर्ज की जा रही है, लेकिन जो प्राइसेस है अभी भी अट्रैक्टिव है, काफी ऊंचे लेवल्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और बन सकती है क्या? देखिए फिलहाल अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी बाजार लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में तो आप देखिए सोना 53,500 रुपए का स्तर छू चुका है कि इनफैक्ट 53,500 रुपए के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया रिकॉर्ड सोने ने बनाया है। और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सोना 54,000 से 55,000 का भी सर्च होता हुआ दिखाई दे। जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है उसके चलते गोल्ड के अंदर फिलहाल डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोना $2000 का स्तर छू सकता है, तो वो लेवल अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सोने के अंदर अभी फिलहाल बाइंग में ही बने रहना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग यहाँ से थोड़ा रिस्की हो सकता है नो डाउट, क्योंकि बाजार पहले ही काफी ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी गोल्ड के अंदर और अभी भी गोल्ड यहाँ 54,000 से लेकर 55,000 तक मुझे लगता है कि जा सकता है। अगर $2000 का स्तर विदेशी बाजारों में छूता है तो यहाँ पर ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सोने और चांदी में फ्रेश एंट्री से बचना चाहिए और लेकिन जिन लोगों ने बाइंग ले रखी है वो उसको होल्ड करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि आज भी फिर से बढ़त का दौर जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $125 पर है 2.25% की तेजी के साथ, WTI 1.5% की तेजी के साथ $121 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि क्रूड 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। रूपा जी खबरें निकल के सामने आई है कि अगर रशिया के क्रूड ऑयल पर बैन लगा दिया जाता है नाटो और उसके सहयोगी देशों द्वारा, जो कि इस समय टीम अप भी कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो एनालिस्ट का कहना है कि कच्चे तेल का दाम $200 प्रति बैरल हो सकता है। वहीं रशिया के डिप्टी मिनिस्टर का कहना है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर क्रूड का दाम $300 प्रति बैरल हो सकता है। आपको क्या लगता है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसका असर भारत के ऊपर कितना देखने को मिलेगा? देखिए अभी फिलहाल जो कच्चा तेल है वो तेजी के साथ जो ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं कि $200 हो सकता है या $300, अभी देखिए आगे चलकर इसका सिनेरियो क्या होगा ये अभी थोड़ा कहना मुश्किल है कि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, अगर ये स्थिति में थोड़ा सा भी कंट्रोल आ जाता है तो सबसे ज्यादा गिरावट भी हम कच्चे तेल में ही आते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी कच्चा तेल जो है इन सभी फंडामेंटल्स के चलते सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की तेजी बनी हुई है और बाजार लगातार नए जो रिकॉर्ड है वो कायम करता जा रहा है और वहां सस्टेन होता जा रहा है, तो उसके चलते अभी के लिए जो सिनेरियो बन रहा है वो हमें लगता है $150 तक एक बार WTI जा सकता है और ब्रेंट जो है 160-180 तक की तेजी पकड़ सकता है।
अगर ये सिनेरियो ऐसे ही कंटिन्यूशन में रहता है तो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा तो अभी एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से 30-40 डॉलर की रैली और आ सकती है। अगर उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ टॉक होती है आपस में कंट्रीज के बीच में और कुछ चीजों को आता है तो फिर कच्चे तेल में गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए सिनेरियो के चलते अभी 150 डॉलर से 160 डॉलर WTI जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहीं से अगर अब बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि निकल में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। निकल 3000 के ऊपर है, 3972 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 4.5% की बढ़त है। रूपा जी देख रहे हैं कि निकल 4000 पॉइंट के काफी करीब है। कॉपर में भी देख रहे हैं कि कल भी जो कीमतें थी तेजी की ओर थी, $5 के ऊपर निकला था, आज देख रहे 4.7 पर है। रूपा जी, जैसा आपने हमेशा कहा है कि बेस मेटल्स में आगे तेजी का ही रुझान है, ठीक वैसा ही होता हम अब देख भी रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स में ही तेजी का दौर आगे भविष्य में भी जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल बेस मेटल में तेजी का रुझान बना रहेगा। और आप निकल देखिए, जो मार्च का वायदा है निकल 4000 का स्तर छू चुका है, यानी कि बहुत, आप देखिए निचले स्तरों से कितना मार्केट में अपसाइड आया और कितने अच्छे रिटर्न्स इनफैक्ट बेस मेटल्स ने दिए इंस्टेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। क्योंकि आप देखिए जिंक जो 300 के नीचे ट्रेड करा करता था, आज 340 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर भी 800 के ऊपर निकलकर 850 तक कायम हो चुका है। ये सारा जो इफेक्ट है ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते ही हम देख रहे हैं कि सभी कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है और ये अभी बना रह सकता है। अभी फिलहाल सारा बाजार तेजी में है और ये तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, इसे बात की जाए अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में भी देख रहे हैं कि तेजी बनी थी लेकिन कुछ करेक्शन बनती नजर आई है, कुछ गर्मी के वेदर की वजह से $4.7 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या क्रूड ऑयल में तेजी का असर नेचुरल गैस के बाजार पर भी पड़ेगा? देखिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है नेचुरल गैस की बात हो रही है, तो नेचुरल गैस में अभी तेजी का रुझान बना रह सकता है और नेचुरल गैस जो है वो 380 से लेकर 400 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि पूरा ही एनर्जी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस, डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सप्लाई जो है वो काफी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से बाजारों में तेजी का रुझान बना हुआ है और यहाँ से नेचुरल गैस 400-420 तक फिलहाल ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी नॉन एग्री कमोडिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि नॉन एग्री कमोडिटीज में इनफैक्ट अभी तो फिलहाल सारी कमोडिटीज के अंदर ही बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। गोल्ड में फिलहाल यहाँ से भी थोड़ा सा डिप आए तो बाय किया जा सकता है, बेस मेटल्स में बाइंग बनाई जा सकती है, कच्चे तेल में भी खरीदारी करके चला जा सकता है। क्योंकि यहाँ से भी जिस तरीके की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और ये स्थितियां और गहराती हैं तो सबसे ज्यादा तेजी भी कच्चे तेल में ही आपको आती हुई दिखाई देगी और फिर रैली जो है एक और बन सकती है। तो फिलहाल के लिए कच्चे तेल में भी डिप पर बाय किया जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि कच्चा तेल हो सकता है कि आने वाले दिनों में 10,000 के स्तर भी चुका हुआ दिखाई दे, जिस तरीके से हम तेजी देख रहे हैं और 9300 के आसपास है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी 10,000 तक कच्चा तेल हम डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखें। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।